हाय गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल नेसेस ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको फेशियल के साथ ब्लीच करना बताऊंगी। जैसे पार्लर में हम लोग कई बार कर देते हैं कि किसी की सेंसिटिव स्किन होती है और कई लोग पहले ब्लीच कर देते हैं तो उनके यहाँ रैशेज हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो उस तरीके से मैं आज आपको फेशियल के बीच में ही ब्लीच बताऊंगी। और VLCC सैफ्रॉन फेशियल करूंगी मैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अभी सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। कोई भी क्लींजिंग मिल्क आप यूज कर सकते हो इस तरीके से, और हल्के हल्के राउंड में करते जाएंगे। फेस अच्छे से क्लीन करेंगे हम, फोरहेड और आईज, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, पूरे फेस को। इस तरीके से आप टिश्यू ले लेंगे, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, नहीं तो आप एक अपना हैंकी ले लेंगे जो बिल्कुल क्लीन होगा, उससे क्लीन कर सकते हो या कॉटन यूज कर सकते हो। इस तरीके से करेंगे। ये वाला फेशियल करूंगी मैं, VLCC इंस्टा ग्लो फेशियल। ये बहुत अच्छा फेशियल है, आप जैसे अपनी ब्राइडल को भी देना चाहते हो, फर्स्ट सिटिंग इसकी दे सकते हो, सेकंड पे गोल्ड या डायमंड भी कर सकते हो, सेकंड या थर्ड पे। और जैसे पिंपल्स की स्किन होती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल पिंपल्स को रिमूव कर देता है और स्किन को फेयर भी करता है और ब्राइटनेस देता है बहुत अच्छी। तो इसमें चार स्टेप है हमारे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, स्क्रब क्रीम जेल और पैक। इस तरीके से अपना पहला स्टेप लेंगे, इसे इस तरीके से कट कर लेंगे हम यहां से। इसमें से आपके दो फेशियल निकल जाएंगे आसानी से, और सारा ही अपने फिंगर पे लेंगे आप इस तरीके से। और गुलाब जल भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप, रोज वाटर। हल्का सा स्प्रे करूंगी मैं फेस पे भी, यहां से चलेंगे। स्क्रब में आप ये ध्यान रखेंगे कि हाथों को बिल्कुल लाइट रखेंगे, क्योंकि स्क्रब में जो दाने होते हैं वो यहां से टाइट हाथ रखेंगे तो यहां रैशेज आने का डर रहता है, तो लाइट लाइट चलाएंगे बिल्कुल। और राउंड में ही करेंगे ऊपर की तरफ, चिन, हाथ बिल्कुल लाइट होना चाहिए आपका। दो से तीन मिनट ही करेंगे हम स्क्रब। अच्छे से करेंगे आप फोरहेड एरिया पे भी, आईज को हम छोड़ देंगे। अगर आपके स्क्रब में बहुत बारीक दाने हैं तो आप आईज पे कर सकते हो, वरना आईज पे नहीं करेंगे। स्क्रब एकदम टाइट नहीं होना चाहिए, पानी लेते रहना चाहिए या रोज वाटर, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। मैं इस टाइम पानी लगा रही हूं और फिर से चलेंगे। यहां हमारा ब्लैक एरिया होता है, इसको रिमूव करेंगे नोज पे। जहां भी आपको टैनिंग दिखाई देती है, जैसे फोरहेड एरिया पे या ये अपर लिप एरिया पे, वहां पर करेंगे अच्छे से। सारे स्टेप राउंड राउंड में ही करेंगे। इसी तरीके से करेंगे दो से तीन मिनट। जब आपका फेस स्क्रब कंप्लीट हो जाएगा तो आप स्किन पे उसे हल्का हल्का सुखा देंगे बिल्कुल, स्टेप को बंद करते हुए दो से तीन मिनट के बाद इस तरीके से।
और इसी के ऊपर आप स्टीम देंगे अगर स्टीम देना चाहते हैं तो। सर्दियां हैं या पिंपल स्किन है तो आप स्टीम दे सकते हो, टॉवल स्टीम दे सकते हो। आप डायरेक्ट नहीं देना चाहते जैसे मैं दूंगी, मैं टिश्यू से ही दूंगी, क्लीन नहीं करेंगे और ब्लैक हैंड व्हाइट हैंड्स भी क्लीन करेंगे। इस तरीके से लेंगे टिश्यू, टिश्यू थोड़ा पतला होता है तो आप टॉवल ले लेंगे अपना है छोटा सा जिससे स्टीम अच्छे से मिल जाए, और इस तरीके से स्टीम देंगे इस तरीके से। दो से तीन बार करेंगे, गर्म पानी लेंगे, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम रखेंगे आप स्टीम के लिए ताकि हीट मिल जाए थोड़ी सी फेस को इस तरीके से। इसके बाद क्लीन करेंगे इसी से, ये टिश्यू लेंगे और अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जहां पर भी ब्लैक एंड व्हाइट हैंड है आप अपने टिश्यू से ही हल्का सा दबा देंगे। जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक हेड रिमूवर लगाओ, ब्लैक हेड रिमूवर लगाने की जरूरत नहीं है। आप कॉटन से भी पुश करके निकाल सकते हो आसानी से, तब फेस का कलर देख सकते हो, यहां और यहां में थोड़ा फर्क है, वो हम लास्ट में देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। इस तरीके से क्लीन कर देंगे। सेकंड हम जेल लेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। आप इनको एक फेशियल करके स्टेपलर भी लगा के रख सकते हो और अपने फिंगर पे ही निकाल लेंगे इस तरीके से। उसी तरीके से करेंगे, मैं आपको स्टेप बता देती हूँ एक बार इसी में ही थोड़े थोड़े। इस तरीके से चलेंगे, चिन एरिया, अपर लिप, चीक, नोज, क्रॉसिंग नोज, आईज, आईब्रोज, फोरहेड और थ्री फिंगर फोरहेड, स्टेप बंद। आप ऐसे ही करेंगे बार बार अच्छे से। इसके बाद ऐसे जिनका ये एरिया थोड़ा सा उठा हुआ होता है इसी तरीके से जेल को करेंगे हम 4 से 5 मिनट। इस फेशियल में केसर को मिलाया गया है, केसर का है जेल सैफ्रन, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। और हल्का हल्का हाथ आप इसी तरीके से चलाएंगे। अगर आपके यहाँ पर रिंकल्स हैं तो आप इस तरीके से बार बार हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे और यहां से भी। आपका हाथ बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, आप रोज वाटर या नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हो, आपका हाथ चलना ही चाहिए इस तरीके से। जेल को आप आईज पे भी कर सकते हो, बिल्कुल राउंड राउंड में हाथ हल्का रखेंगे बिल्कुल अपनी आईज पे एकदम लाइट, बिल्कुल लाइट। को 3 से 4 या 4 से 5 मिनट के लिए भी आप कर सकते हो क्योंकि बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होता है ये, बहुत अच्छा। और जितना ज्यादा पानी इसके साथ अंदर जाएगा स्किन के बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जेल को ताकि अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए। और आप देखेंगे जब जेल सूखेगा तो स्किन पे खुद ब खुद ग्लो आ जाएगी, आपको एक शाइन दिखाई देगी। तो इसे हम इस तरीके से छोड़ेंगे, बाद में क्लीन करेंगे। ओके, आप देख सकते हो स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाएगा इस तरीके से। ये मैंने जेल छोड़ा था इनकी स्किन पे, आप देख रहे होंगे। और अब मैं इसे क्लीन करूंगी, तो इस तरीके से करेंगे। और आप अगर कम एज की लड़की हैं तो कम से कम 6 मंथ का गैप रखें अपने फेशियल में।
और 25 प्लस है तो 15 दिन में एक बार भी आप ले सकते हैं, और सर्दियों के टाइम तो 15 दिन में एक बार ले तो ज्यादा अच्छा है, और गर्मियों में भी आप गैप कर सकते हो। इस तरीके से कर सकते हैं अपनी स्किन पे कोई भी फेशियल, और फेशियल का टाइम कम से कम 45 मिनट तो होना ही चाहिए। क्रीम लेंगे हम, थर्ड नंबर पे क्रीम है। इनके यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है 1 2 3 4, आप इस तरीके से कर सकते हो आसानी से घर में भी। ये सारी क्रीम ले लूंगी मैं, इसमें से 2 फेशियल आसानी से निकल जाएंगे आपके। क्रीम लेंगे और इसमें भी आप राउंड राउंड चलेंगे, यहां से करेंगे, यहां से अपना फोरहेड एरिया, आईज पर भी करेंगे, और हाथ बिल्कुल स्मूथ रखेंगे आप इस तरीके से। मैं आपको एक बार स्टेप बता देती हूँ ताकि मसाज अच्छे से करें। नेक करेंगे अपनी और इस तरीके से आएंगे, नेक, चिन, चिन, अपर लिप्स, लिप्स, नोज, क्रॉसिंग नोज, चिक, चिक, आईज, आईब्रोज, फोरहेड, 3 फिंगर फोरहेड और स्टेप बंद। इस तरीके से करेंगे हम फर्स्ट स्टेप। आप इनको मिक्सिंग कर सकते हो इजीली। फिर चलेंगे हम नेक, नेक और राउंड, चिन, अपर लिप्स, लिप्स, चिक, पिंच। इसमें कम से कम 10 स्टेप करेंगे हम, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये यूज करेंगे हम पीछे से हल्का हल्का, और हमारे लास्ट में जब रिंकल है, इस एरिया पे हमारे रिंकल्स होते हैं, तो इस एरिया को हम इस तरीके से यहां से और यहां से इस तरीके से खींचेंगे। हाथ आपका बिल्कुल लाइट ही रहेगा, यहां से इस तरीके से खींचेंगे और ये आईज के पास भी। अब हम आ जाएंगे अपने नोज पे, नोज, क्रॉसिंग नोज, साइड, और ये हमारा यहां वाला। इसके बाद आएंगे हम आईज पे, राउंड राउंड बिल्कुल लाइट लाइट, एक, दो, और ये हमारा प्रेशर पॉइंट होता है आईज के पास। यहां से इस तरीके से रखेंगे और हाथों को बिल्कुल लाइट रखेंगे, यहां से कम 2 से 3 बार करेंगे कोई भी स्टेप, बहुत रिलैक्स मिलेगा आपके आईज को इस तरीके से, और यहां से इस तरीके से यहां आकर अपने प्रेशर पॉइंट को दबाएंगे, यहां इस तरीके से, और ये यहां से चलेंगे हम अपना ये वाला हिस्सा यहां से लाकर यहां पर स्टेप करेंगे। सबके अपने अपने करने का तरीका अलग अलग होता है, अपने स्टेप आप किसी भी तरीके से कर सकते हो कोई भी स्टेप, लेकिन हमेशा स्टेप को ऊपर की तरफ ही करें, कभी भी नीचे ना लाएं और डायरेक्शन एक ही रखें। यहां से आएंगे हम, ये भी हमारा प्रेशर पॉइंट होता है फोरहेड का। अब आएंगे हम अपनी आईब्रोज पे, बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे आईब्रोज को, अपनी इस वाली फिंगर से दबाएंगे और यहां से फिर इस तरीके से लेकर जाएंगे और इन्हें यहां से ऊपर की तरफ इस तरीके से, ये हमारा आईब्रोज के ऊपर फोरहेड, इस तरीके से चलेंगे पूरे एरिया पे। फिर सेकंड, इसकी जो हमारे यहां फाइन लाइन बनी होती है वो हट जाएंगी इस तरीके से। थर्ड, सेकंड में ये था और थर्ड में हम ये करेंगे,
फोर्थ में हम ये करेंगे, पूरा राउंड राउंड करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और ये हमारा स्टेप वन। इस तरीके से हम सारी मसाज करेंगे। आप बार बार इन्हीं को रिपीट करेंगे और कम से कम 10 मिनट तक फेस की मसाज करेंगे क्रीम से, बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से। उसके बाद हमारे अगर यहाँ रिंकल्स हैं, यहाँ पर रिंकल्स हैं, तो इस तरीके से करेंगे पूरे। मैं आपको एक DIY फेशियल भी बताऊंगी जिसमें कि आप ऑयल से मिक्स करके फेशियल कर सकते हो, बहुत अच्छा नाइट में, जैसे झाइयां पिगमेंटेशन कुछ भी है तो क्लीन करने में हमारी मदद करेगा उस तरीके से। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक किया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। इसके बाद ऐसे ही चलेंगे हम, क्रीम को अच्छे से करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। जब आप एक बार फेशियल करते हो और अपने नेक एरिया पे आते हो तो आप अपने शोल्डर को अच्छे से दबाएंगे इस तरीके से, ताकि बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको इस तरीके से शोल्डर को। जब भी मसाज करते हुए आएंगे आप तो यहां से दबाएंगे इस तरीके से, अपने स्ट्रैप को बंद कर देंगे पूरा और अपने प्रेशर पॉइंट भी दबा देंगे। प्रेशर पॉइंट मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हम क्या कर सकते हैं, पहले ब्लीच ना करके बीच में कर सकते हैं फेशियल के। आप क्रीम को रिमूव नहीं करेंगे जब हम ब्लीच करेंगे, तो क्रीम को ऐसे ही स्किन के अंदर जाने देंगे, मसाज करने के बाद छोड़ देंगे। मैं आपको मिनी ब्लीच दिखा रही हूँ आज, छोटी ब्लीच, ताकि आप इजीली खुद लास को, ये स्ट्रॉबेरी की आप देख सकते हो, आप नेचुरल्स की गोल्ड या VLCC की किसी भी कंपनी की या व्हाइटनिंग की या जॉलन की कोई भी ब्लीच यूज कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं होता है किसी फेशियल के साथ कौन सी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप ज्यादा रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो आप यही करेंगे कि गोल्ड के साथ गोल्ड कर लें, तो आप ये कर सकते हो। बट मैं डायमंड ले रही हूं अभी सेफ्रॉन VLCC फेशियल के साथ, स्ट्रॉबेरी की डायमंड ब्लीच। और अभी मैंने मिनी इसलिए ली है ताकि मैं आपको दिखा सकूं, वरना हमारे पास ये पार्लर साइज रहते हैं बड़े बड़े इस टाइप के, तो इसमें देखेंगे कि ये निकली है। और ये एक फेस के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम ब्लीच, इसमें ले लेंगे और ये कटोरी लूंगी मैं, आप देख सकते हो इस तरीके से। आप नेक पे भी लगाना चाहते हो तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, इतनी लेंगे हम। अगर आपसे इसमें एक्टिवेटर की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारी स्किन पे अच्छे से क्रीम लगी हुई है। इस तरीके से लूंगी मैं, आप देख सकते हो एक्टिवेटर मैंने कितना लिया है, और अपनी ब्लीच में मिला दूंगी इस तरीके से। दोनों चीजों को इस तरीके से मिला लेंगे, और आप एक्टिवेटर थोड़ा ज्यादा डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, बट इसमें क्लींजिंग मिल्क इंक्लूड कर लेंगे। जैसे किसी की सेंसिटिव स्किन है और आपसे एक्टिवेटर अचानक ज्यादा हो जाता है तो क्लींजिंग मिल्क मिक्स करके इजीली लगा सकते हो, या रोज वाटर भी, दोनों चीज। क्रीम को सुखाया है मैंने बिल्कुल स्किन के ऊपर ही क्रीम, और सबसे पहले अपना अपर लिप एरिया करेंगे बालों की ग्रोथ देखकर, तब ब्लीच डालेंगे और एक्टिवेटर। आपकी एक्टिवेटर की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर आपके हार्ड ग्रोथ है तो, या फिर आप इन दोनों एरिया पे लाइट ग्रोथ है, यहाँ पर बाल बहुत कम होते हैं, यहाँ एक्टिवेटर की मात्रा बिल्कुल कम रखेंगे और इन एरिया पे मात्रा को बढ़ा लेंगे, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। आईब्रोज पर, आईज की पलकों पर कहीं पर भी नहीं लगनी चाहिए, और फोरहेड एरिया पे से भी ध्यान रखेंगे कि ज्यादा बालों पर ना लगे आपके। इस तरीके से पूरे फेस को कवर कर लेंगे। आप ब्रश भी यूज कर सकते हो, क्योंकि किसी किसी की फिंगर पे इचिंग हो जाती है और एलर्जी जैसा हो जाता है, तो आप ब्रश यूज करना चाहे तो ब्रश यूज कर सकते हो, बट और इसे बाद में रब भी कर देंगे ताकि अच्छे से बालों पर फैल जाए। ये इस तरीके से लगेगी, जितनी एक्स्ट्रा बच गई है आप बैक में भी लगा सकते हो। आईज से भी थोड़ा सा दूर रखेंगे, टाइमिंग नोट करेंगे, बट कई बार होता है कि टाइमिंग भी नहीं देखेंगे आप कि आपने 10 या 12 मिनट कितने मिनट रखा है। आप पहले चेक करेंगे बालों को 5 या 6 मिनट में अगर आपने एक्टिवेटर की मात्रा ज्यादा डाली है, क्योंकि कई बार होता है कि लिखा होता है ब्लीच पे कि आप 15 मिनट रखें या 20 मिनट, बट ऐसा हो जाता है कि आपसे एक्टिवेटर ज्यादा डल गया, या किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो स्किन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हार्ड ग्रोथ है तो 20 मिनट में भी कुछ नहीं होगा उनके हेयर पे, बट अगर सेंसिटिव स्किन है तो यहाँ पर रैशेज आ जाते हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। और 5 या 6 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आप चेक करेंगे आपके हेयर ब्राउन हो गए हैं तो उसे रिमूव कर देंगे। चेक कर लेंगे अपनी ब्लीच को,
इस तरीके से यहां से उतार के देखेंगे क्योंकि यहां पर ग्रोथ होती है या यहां पर। जब आपकी हो जाए तो इसे रिमूव कर देंगे, मैं 2-3 मिनट और रखूंगी। और जब हमारी ब्लीच फूलने लग जाती है तो आप उसे एक बार अच्छे से फैला देंगे, जब फूल जाए ब्लीच अच्छे से इस तरीके से। पर आप अगर जलन होती है तो कॉटन बॉल्स भी रख सकते हैं और खीरा भी रख सकते हैं। ये ब्लीच हो गई है, यहां से उतार के देखेंगे हम, बिल्कुल हमारे बाल बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तभी हम ब्लीच को उतारेंगे। और इस ब्लीच को उतरने के बाद भी आप अपने हैंड्स आपके ब्लैक हो गए हैं तो इनमें इजीली यूज कर सकते हो फैना। आपकी ब्लीच ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। तरीके से सारा रिमूव कर देंगे, पहले इस पे उतार लेंगे नाइफ पे, अपना बैक से भी इस तरीके से लगा देंगे इसके बीच में। फेस को अच्छे से क्लीन, फेशियल से पहले ब्लीच करते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं ज्यादा एलर्जी ना हो जाए या रैशेज ना आ जाए। इस तरीके से फेशियल के बीच में भी आप ब्लीच कर सकते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छे से क्लीन कर देंगे बैक भी और फेस भी। अब हम पैक लगाएंगे, आप इनकी स्किन देख सकते हो पहले से। लास्ट हमारा फेस पैक, ब्लीच क्लीन कर दिया हमने, फेस पैक लगाएंगे। ये फेस पैक लिक्विड है तो इसे अपने यहां पर लगाकर इजीली अपने फिंगर से लगा सकते हो। चाहेंगे तो आप ब्रश भी यूज कर लेंगे क्योंकि पाउडर वाले जो फेस पैक होते हैं उन्हें हम ब्रश से मिक्स करते हैं रोज वाटर से, तो उन्हें इजीली हम ब्रश से लगा सकते हैं। ये आप अपनी फिंगर से भी लगा सकते हो और ब्रश भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से निकालूंगी मैं अपने हाथ पे, या आप साथ के साथ यूज कर सकते हो इस तरीके से। और यहां से ऐसे लेके चलेंगे ऊपर की तरफ ही लगाएंगे लाइन पैक ब्रश। ब्रश से बता देती हूँ, मैंने ये हाथ से लगाया है, मैं आपको ब्रश से भी कर देती हूँ। कई बार सोचते हैं कि पता नहीं ब्रश से क्यों नहीं लगा रहे हैं, इस तरीके से आप ब्रश से भी कर सकते हो। सारा ऊपर की तरफ ही लगाएंगे बिल्कुल। और पील ऑफ मास्क जो यूज करते हैं वो हम आईज पे नहीं करते, फ्रूट के कोई भी पैक है या कैसे भी है आप आईज पे लगा सकते हो इस तरीके से कर लेंगे आप। 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे पैक को ऐसे ही, उसके बाद हम उतारेंगे। फिंगर को गीला करेंगे और राउंड राउंड में ही पैक को मसाज के साथ हल्का सा मसाज करते हुए तब उतारेंगे हम। लेंगे हम मॉइस्चराइजर, आपको किट के साथ ही मिल जाएगा ये, और अगर नहीं है तो आप अलग से लगा लेंगे VLCC का या किसी का भी। इस तरीके से अपने फिंगर टिप्स पे ही लेंगे मॉइस्चराइजर और अच्छे से अपने फेस पर लगा देंगे। आप ये इनका फेशियल देख सकते, खुद देख सकते हो इनके चेहरे पे ग्लो इस तरीके से पूरा। और ये हिस्सा जो ज्यादा हो गया था फर्स्ट फेशियल किया है तो इतना क्लीन है, आप इजीली घर में कर सकते हो VLCC का ये। और आप हैंड्स भी देख सकते हो, मैंने इनके फेस की ब्लीच उतार के इनके हाथों पे लगाई थी, इस वाले हाथ पे लगाई थी, दोनों हाथों में फर्क देख सकते हो आप। वो ब्लीच उतरी हुई है जो यूज कर सकते हो आसानी से तो, और आप फेस भी देख सकते हो इनका इस तरीके से। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।